गाइज मौज एप्लीकेशन पर अब आपकी लाइव में ऑडियंस बहुत अच्छी इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि लाइव के अंदर एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए आ चुका है। और ये ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप शायद दिन के आधा दिन इसी में बिता देते होंगे। यहां पर YouTube अब आपके लाइव में आ चुका है। कैसे आप ये एक्सेस कर पाएंगे, ये आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, रेगुलर अपडेट आपको यहीं पर मिलती है एवरीडे। लिंक डिस्क्रिप्शन में उठाकर फॉलो कर लीजिएगा। भाई हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौज एप्लीकेशन की, और मौज पर ये अपडेट, हालांकि अपडेट तो आते रहते हैं, हफ्ते में कोई ना कोई अपडेट होता है, ये रिवॉर्ड्स पर ज़्यादा होता है, अर्निंग पर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर खुद लाइव में एक नया अपडेट है। ये अपडेट है आपके लाइव में अब आप यूट्यूब प्ले कर सकते हो। YouTube के किसी भी वीडियो को आप प्ले कर सकते हो, और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी करनी, लेकिन आप लोग पहले तो उसको एक्सेस करना समझ लो। आप लोगों के लिए सबसे फर्स्ट आपका अपडेट होना ज़रूरी है मौज का। मौज अपडेट कर लो, प्ले स्टोर पर इसका नया वर्जन अवेलेबल है और ये अपडेट आ चुका है, सभी क्रिएटर्स के पास नहीं पहुंचा है अभी, तो पहले तो अपडेट करके देख लो। अगर आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो पाए हो तो ये अपडेट आपके लिए मिल गया होगा। क्राइटेरिया इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे पास अभी फिलहाल नहीं आया। मैंने कुछ क्रिएटर्स के पास ये देखा, जिसमें मेरे पास एक ही क्रिएटर थे, इन्होंने मुझे बताया कि मैं लाइव में जब आऊं तो आप आना। मैं इनकी लाइव में जब गया तो मुझे देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर यूट्यूब के वीडियोज इन्होंने प्ले कर रखे हैं। अब यूट्यूब की वीडियो प्ले करने के लिए लाइव के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप कोई भी गाने चला सकते हो, कोई भी शॉर्ट्स वगैरह चला सकते हो, इवन आप हल्की फुल्की मूवीज भी चला सकते हो। देखो, मूवीज चलाने का मतलब ये नहीं होता कि मूवी चला के छोड़ दो 2-3 घंटे के लिए लाइव, ऐसा भी मत करना। यहाँ पर सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ये लाइव ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि जो क्रिएटर्स सिर्फ लाइव कर रहे हैं उनके पास कोई म्यूजिशियन नहीं है, कुछ नहीं, और एंटरटेन करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए अपनी लाइव को कुछ एक्सेसरीज के रूप में ये यूट्यूब दे दिया गया है, जहां पर आप पीछे बैकग्राउंड में कोई प्ले म्यूजिक चला सकते हैं। कोई सॉफ्ट म्यूजिक चला रहा है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक में खाली इंस्ट्रूमेंट चला रहा है, कोई खाली बीट चला रहा है, उसमें क्या है कि आप अपनी लाइफ को और अच्छी बना पाओगे। यहां पर इन अपडेट्स के साथ मैं आपको बताऊं, फिलहाल मेरे पास भी ये अपडेट नहीं आया है, लेकिन जिनके पास ये अपडेट आ चुका है मैं उन लोगों को बता रहा हूं। लाइव में जब यूट्यूब आप प्ले करो तो प्ले करते टाइम बस इतना ही ध्यान रखना कि आपके यूट्यूब का वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे कि आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छे से सुनाई दे आपका म्यूजिक भी और आपकी वॉइस भी। तो इनके साथ यही हो रहा था, इन्होंने यूट्यूब के वॉल्यूम को फुल कर दिया था, तो ये कुछ भी बोल रहे थे तो वो बहुत कम सुनाई दे रहा था, पता ही नहीं पड़ रहा था क्या बोल रहे हैं। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ यही है कि यूट्यूब आप अपने लाइव में चला सकते हो। मौज एप्लीकेशन के लाइव में यूट्यूब चलाने के फायदे भी हैं। फायदा यही है कि अब आपकी ऑडियंस थोड़ा रुक रही है आपके पास, आपके गाने की फरमाइश है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं तो सिंगिंग करता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं भाई ये वाला गाना सुनाओ, तो मैं तो उस गाने का कैरियोके लगाकर भी गाना गा सकता हूँ, आवाज़ मेरी, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लोगों को पूरा फील आ सकता है। ऐसे आप भी अपने आप में इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो और इससे कुछ ना कुछ अलग यूनिक कर सकते हो। देखो, यूट्यूब का बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने क्या बताया आपको कि आधे दिन में आप सबसे ज़्यादा यूट्यूब देखना पसंद करते होगे, लेकिन अब यूट्यूब का फीचर ही आपके मौज पर लाइव में आ चुका है, तो लाइव का यूज़ करो और इस यूट्यूब वाले ऑप्शन पर भी जाओ और यहाँ पर इसको यूज़ करो। गाइज आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए मुझे कमेंट में बता देना। जय हिंद।